नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरें। आजमगढ़ में जागो युवा संस्थान ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को संस्थान के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से नगर पालिका अध्यक्ष अत्याशी अभियंता और जय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि नगर पालिका परिषद नगर स्टेडियम और रोडवेज के समीप बिना बोर्ड में कोई प्रस्ताव लाए सड़क किनारे अवैध रूप से मकान खड़ा कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जांच शुरू हुई तो पालिका ने 25 नवंबर को बैठक दिखा दिया जिसमें मृत सभासद की उपस्थिति दर्ज बताया, जबकि पालिका परिषद ने ही 13 नवंबर को सभासद का मृत प्रमाण पत्र भी जारी कर चुका है। जांच के बाद निर्माणाधीन दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जांच में प्राथमिक रूप से नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और जेई दोषी हैं। यही नहीं, नगर के विभिन्न स्थानों पर भी मकान का निर्माण कराया धनुगाही का बड़ा खेल खेलने की कोशिश पालिका कर रहा था। उन्होंने जिलाधिकारी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनाते हैं कि विनीत सिंह ने क्या कहा। कि फरवरी माह में जो नगर पालिका द्वारा जगह जगह शहर में अवैध निर्माण किया जा रहा था, उस निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक देकर के अवगत कराएं कि जो उन्होंने काम को रुकवाया था अभी तक उसके खिलाफ किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, और कार्रवाई न करने की वजह से लोगों के अंदर ये मामला आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार में जिला प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है नगर पालिका का। तो आज हम लोगों ने उसके लिए डीएम महोदय को एक बार फिर से निवेदन किया है कि आप उस मामले पर पुनः जांच करिए और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करिए ताकि नगर पालिका ऐसा दोबारा कृत्य न करें। किस तरह का काम किया है जो शहर में रोडवेज के पास में ब्रह्मस्थान के पास